और भाई ये तो ऐसा लग रहा है गोरख की चढ़ाई चढ़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज है 31 दिसंबर और आज हम अपनी नई बाइक के ऊपर एक शॉर्ट राइड पे निकले हुए हैं। बेसिकली प्लान हमारा ये है कि हम यहाँ से अभी सदाबहार रेस्टोरेंट जाएंगे, वहाँ पे सुबह का नाश्ता करेंगे और फिर वहाँ से वापसी पे बहरिया टाउन में एक स्पॉट है जो कि बहरिया टाउन एफिल टावर के बाद जाके आता है, एक ऑफ रोड ट्रैक है छोटा सा और उसके बाद वहाँ एजीज आ जाती हैं पहाड़ की, तो वहाँ जाने का इरादा है इंशाल्लाह। तो अप डाउन तकरीबन 200 किलोमीटर्स की राइड है और अभी जैसा कि मेरी बाइक का होंडा सी बी 150F का रनिंग पीरियड चल रहा है तो 50-60 के अंदर अंदर रहते हुए बाइक चलानी है। 150 किलोमीटर इसका हो चुका है और फर्स्ट ऑयल चेंज मेरा इरादा है 500 किलोमीटर्स के ऊपर चेंज कराने का और इसके बोल्ट्स वगैरह टाइट करवाने हैं, नट बोल्ट्स लूज हैं इसके, तो ये सारा चेकअप खैर फर्स्ट 500 किलोमीटर्स पूरे हो जाएंगे तो करवाएंगे। अभी एक रनिंग पीरियड ज़रा कंप्लीट हो जाए जल्दी से इसका, तो इसलिए ये राइड प्लान की है। सुबह के इस वक्त तकरीबन 8 बज रहे हैं और सर्दी बेहतरीन हो रही है अच्छी खासी, मेरे ख्याल से इस वक्त 10 या 11 टेम्परेचर हो रहा है और जैसे हम हाईवे पे पहुंचेंगे तो वहाँ ठंड हमें ज़्यादा मिलेगी यकीनन। ओहो, एसएफ सिटी पहुंच चुके हैं। बड़े ही मशक्क़त का काम है भाई बाइक की रनिंग पूरी करना। ओह, 50-60 इससे ज़्यादा नहीं और ऑलमोस्ट हमें 1 घंटे से ऊपर हो गया है, तकरीबन पूरा 1 घंटा हो गया है राइड करते हुए और आई थिंक सदाबहार भी आ गया है, पहुंच गए सदाबहार, बस यही है मेरे ख्याल से। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह 9:30 बज रहे हैं और हम तकरीबन पहुंच चुके हैं सदाबहार पे। चलो यार यहाँ लगाते हैं बाइक्स। अल्हम्दुलिल्लाह यार ये बैग बड़ा बड़ा काम का मुझे मिल गया यार, कभी इस तरह यूज़ किया नहीं था इसको एज ए टेल बैग। मैंने कहा यार ये बैग बड़ा अच्छा मिल गया। हाँ मतलब टेल बैग के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं ना इस तरह। यार क्लिप्स खोले, ये बैग आपको बाहर आ गया है, बेहतरीन काम है ना। ये मोबाइल भी निकाल लेते हैं यार। अच्छा जी सदाबहार पहुंच गए और तकरीबन 9:30 हो रहे हैं, नाश्ते का ऑर्डर कर दिया है, नाश्ता आ रहा है तो अभी यहाँ से नाश्ता वाश्ता करेंगे और फिर आगे जाएंगे बहरिया टाउन। असल मज़ा बहरिया टाउन में आएगा, यहाँ तो बस रनिंग पूरी करनी थी इसलिए यहाँ भी आ गए वरना सीधा बहरिया टाउन ही जाते। तो हमने कहा चलो यार ये नाश्ता भी कर लेंगे और आगे से अभी इंटरचेंज से टर्न लेके वापस निकलेंगे क्योंकि बहरिया टाउन तो पीछे, तो बस नाश्ता आ जाए यहाँ नाश्ता कर लें और नाश्ता करके फिर बहरिया टाउन वाले सीन दिखाते हैं, वो ज़बरदस्त जगह है। तो चलते हैं अभी नाश्ता वाश्ता कर लें फिर निकलते हैं आगे। ये भाई नाश्ता आ गया हमारा, अंडे और माश की दाल और पराठे, सुभान अल्लाह। चलें यार नाश्ता करें, ठंडा हो जाएगा, ठंड हो रही है 2 मिनट में ठंडा हो जाएगा, पराठा मुझे अभी भी ठंडा ही लग रहा है। चले भाई 10:30 हो गए हैं, अब यहाँ से निकल रहे हैं हम सदाबहार से और बहरिया टाउन जाएंगे इंशाल्लाह। बैग माउंट कर लूँ मैं अपना। यार जी खुल गए, पर ही लगा लेते हैं।
इंटरचेंज तो आ गए हम, खैर बीच में से ही ब्रिज मिल गया हमें, तो हम यहाँ से ऊपर चढ़ रहे हैं। और M9 की अपोजिट साइड पहुँच जाएंगे। कितने किलोमीटर बाद आए साजिद भाई? ऑलमोस्ट मैं कहते 5 किलोमीटर बाद, हाँ सदाबहार के 5 किलोमीटर बाद ही आ गया। और इंटरचेंज मेरे ख्याल से ज़्यादा दूर होगा, 10-12 किलोमीटर आगे होगा। हाँ इंटरचेंज और आ गया। सही सही, चल यार हमारी तो ज़िंदगी आसान हो गई ना अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बैरियर टाउन आने वाला है, और बैरियर टाउन के लिए अब हम आगे से एग्ज़िट लेंगे, M9 को छोड़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए बैरियर टाउन। जैसे दूर से नज़र आ रही थी ग्रैंड मस्जिद भी, काफ़ी लग रहा था कि बन गई है काफ़ी हद तक। और साजिद भाई के लगता है पापे सुन हो गए। वाह एंट्रेंस बड़ी प्यारी बनाई है इन्होंने, रात में लाइट वाइट्स ऑन होती हैं, खैर लाइट्स अभी भी शायद ऑन है। बेहतरीन माशाल्लाह। बड़े अरसे बाद आए हैं यार दोबारा में, कल भी मुझे आना है यहाँ पे, फैमिली के साथ आना है डेंजू देखने। उसका व्लॉग तो नहीं बनाऊंगा बैरियर डेंजू का, लेकिन थोड़ी बहुत क्लिप शायद बनाऊं। मेरे ख्याल से अंदर हमें तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर अंदर जाना है, अच्छा खासा अंदर है। बैरियर टाउन एफिल टावर तो आ गया है, लेकिन हमें मज़ीद और आगे जाना है। और आगे एक कॉर्नर आएगा, वहाँ से लेफ्ट कोई रोड ऊपर जाता है, तो देखते हैं। मैंने मैप पर लोकेशन समझी तो थी दोस्त से, अब आगे जाके देखते हैं कहाँ पे वो रोड आएगा जहाँ से हमें टर्न लेफ्ट टर्न लेना है। तो खैर ये तो अभी एफिल टावर आया, अभी और आगे जाना है हमें, मैं खाते 4-5 किलोमीटर शायद और आगे जाना हो। इस वक्त हम जिना एवेन्यू पर हैं, और बहरिया ग्रीन का ये बोर्ड लगा है, और ये सामने आपको नज़र आ ही रही है अभी जो चौरंगी है बन रही है, तो यहाँ से ऊपर ये रास्ता जा रहा है, इसको लेते हैं। मंजिल को तलाश करते हैं। यहाँ से थोड़ी खड़ी चढ़ाई है। अरे भाई ये तो ऐसा लग रहा है गोरख की चढ़ाई चढ़ रहा है। दूसरे गियर में आ गई है मैं खुद, खैर दूसरे गियर में तो खुद ही लेकर आ गया हूँ, क्योंकि बाइक का इंजन अभी रनिंग में, तो इससे ज़्यादा लोड डाल नहीं सकते। आप चेक करें चढ़ाई कैसी खड़ी है ये, अल्लाह अकबर। ऊपर जाके ये रोड ख़त्म हो जाएगा, और फिर थोड़ा सा ऑफ रोड चलना है, और फिर जो जिस पॉइंट पे हमें जाना है वो आ जाएगा। तो मैं फ़र्स्ट टाइम आ रहा हूँ, जस्ट अंदाजे से यहाँ पर आए, कोई पिन लोकेशन नहीं थी, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है समझना रास्ते को। बिल्कुल एंड पे आके जिना एवेन्यू के ये रोड ऊपर चढ़ रही है, और मैंने बोर्ड जैसे आपको दिखाया था ग्रीन पता नहीं क्या लिखा हुआ था, वो उससे लेफ्ट पे ये रोड है। अगर आप यहाँ से नीचे का अगर नज़ारा देखेंगे आपको तो बड़ा अच्छा दिख रहा है।
अच्छी खासी हाइट गेन कर ली हमने। बस ये आगे ऊपर, अबे ये रास्ता बंद कर दिया इन्होंने, ये रास्ता था लेफ्ट पे। चलो यहाँ से चलते हैं, आओ ना यहाँ से चलते हैं। वो जो रास्ता है वो बंद किया हुआ है, तो हम रोड से जा रहे हैं। ये है वो पॉइंट एजीज वाला, चलते हैं यहाँ पे देखते हैं क्या पॉइंट है यहाँ पे, क्या स्पॉट है। ये ऊपर स्पॉट सा बना हुआ है, ये ले भाई ऊपर आ गए हम एज के ऊपर बिल्कुल। फायरवर्क्स भी किया है यहाँ पे, बुलेट पड़ा हुआ है किसी ने, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें दिखाते हैं आपको यहाँ के सीन्स। ये भाई ऊपर पहुँच गए हम एज के ऊपर, और दो साइड्स हैं यहाँ पे। एक ये वाली साइड है जो बहरिया टाउन का पूरा खूबसूरत यहाँ से मंदिर दिख रहा है, और एक उस तरफ वाली साइड है वहाँ से आपका मेरे ख्याल से गडाप वाली साइड है शायद, वो जो पूरा एक रेंज दिख रही है। यहाँ पे मोस्टली जो लोग आते हैं ना वो सनसेट देखने आते हैं। हम तो खैर सुबह सुबह की राइड पर निकले हुए थे, तो इस टाइम तो सूरज बिल्कुल ऊपर सावन एजे पे, सनसेट के टाइम यहाँ पर आया बंदा, उस तरफ होता है सनसेट बहुत खूबसूरत, और यहाँ भी शायद दिखे, तो किसी दिन आएंगे यहाँ पे सनसेट करने के लिए। अभी तो जस्ट इस पॉइंट को एक्सप्लोर करने आए थे, कोशिश की है मैंने आपको समझाने की रास्ते को, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन वो आपने जैसे देखा यहाँ सिक्योरिटी का कुछ इशूज़ हैं, वो कह रहे हैं यार यहाँ पर अनसेफ है ये जगह, और क्योंकि ये बाउंड्री से अभी बाहर है तो अवॉइड करें आना तो ज़्यादा बेहतर है। तो बाइक तो खैर आपको पता है हर जगह से अंदर घुस जाती है, तो उसको तो कोई रोक नहीं सकता। तो हम तो खैर आ गए ऊपर, और यहाँ पे जो ये निशानियाँ दिख रही हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, और उस तरफ भी लोग देख रहे हैं हमें, एक आध फैमिली वैमिली भी आई हुई है। तो स्पॉट है, जाहिर सी बात है ऊँची अच्छी खासी हाइट है, और बड़ा खूबसूरत यहाँ से नज़ारा है। इस तरफ से दिखाऊँ मैं आपको, अगर ये देखें पूरा बहरिया टाउन यहाँ से जो है खूबसूरत दिख रहा है बहुत। सड़कों का जाल बिछा हुआ है, ये है वो चुरंगी जहाँ से आपने लेफ्ट के ऊपर आना है, ठीक है। ये बिल्कुल डेड एंड है, इसके बाद आगे कोई रोड नहीं है, ये एक लेफ्ट ऊपर चढ़ रहा है और वो सीधा राइट पे दूसरी तरफ निकल रहा है रोड। सुभानअल्लाह, यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा हो रही है, जब ये बारिशें हुई होंगी तो बहुत खूबसूरत हो रहा होगा ये एरिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट मानसून में ना यहाँ पर आऊँगा। अब जो मानसून का अगला सीज़न 2023 का आएगा ना, यहाँ पर आने का काम है भाई। अच्छा स्पॉट है यहाँ पे, जो है वाटरफॉल्स बन रहे होंगे बड़े खूबसूरत, ये पूरा देखें सब ग्रीन हो रहा है। हालांकि बारिशें ख़त्म हुए हुए भी 2 से 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन ग्रीनरी अभी तक मौजूद है, क्योंकि इस दफ़ा बारिशें बहुत ज़्यादा हुई थी। ये हमारी बाइक्स हैं, बाइक पे कपड़ा आपको मैंने शुरू में बता ही दिया रीज़न कि कपड़ा इसलिए चढ़ा हुआ है कि बाइक अभी रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड बाइक है, और मैं नहीं चाहता कि ये बाइक मेरी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, तो ये इसलिए कपड़ा चढ़ा के रखा हुआ है। और घर पे हमारे जो है ना बिल्लियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से भी चढ़ाया हुआ है। खैर बिल्लियों का तो अल्टरनेट है, मैं सीट का कवर बनवा लूँगा, जैसे ही इन्होंने साजिद भाई ने मैच चढ़ाया हुआ है, तो इस टाइप का मैंने सॉफ्ट मैच बनाया था YBR के लिए, मैं इसके लिए भी बनवा लूँगा। लेकिन फ़िलहाल ये है कि अभी अनरजिस्टर्ड बाइक है, तो इसलिए मैं कवर करके चढ़ रहा हूँ ताकि बाइक प्रोमिनेंट ना हो, बस ये वाहिद रीज़न है इस फिलहाल। वरना
टूर्स पे तो मैं कभी भी कपड़ा चढ़ा के बाइक पे कपड़ा चढ़ा के नहीं निकलता, टूर पे हमेशा मैं कपड़ा पड़ा हटा के साफ सुथरी बाइक लेके निकलता हूँ। तो ये सीन है, यहाँ पे आना चाहें तो आ सकते हैं आप, अच्छी जगह है, लेकिन गाड़ी गाड़ी में नहीं आ सकेंगे, बंद किया हुआ है पीछे से, बैरियर्स लगाए हुए हैं, आपको काफ़ी गाड़ियाँ पीछे ही खड़ी करके पैदल जाना पड़ेगा। पैदल वॉक भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं खाली 10-15 मिनट की वॉक, 10 मिनट की भी वॉक नहीं है, आप यहाँ पे आ सकते हैं इस स्पॉट पे जहाँ उन्होंने बैरियर लगाए, और सनसेट के टाइम आए शाम में, कुर्सियाँ वर्सियाँ साथ लेकर आएँ, अपनी पोर्टेबल चेयर्स और खाने पीने का सामान लाएँ, यहाँ पे बैठे इंजॉय करें, अच्छा स्पॉट है। तो मैं इस व्लॉग का यहीं पर एंड कर रहा हूँ, क्योंकि मज़ीद उस तरफ भी अगर मैं जाऊँगा तो इसी तरीके के मनाजिर देखने को मिलेंगे आपको, सूरज अभी बिल्कुल ऊपर है तो सही व्यूज़ नहीं आएंगे, तो यहीं पर ही इस व्लॉग का एंड करते हैं, इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी सी जगह पे किसी नई जगह को एक्सप्लोर करेंगे और आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।